माँ के स्नेहल स्मरण से हम सबके मन प्राण अनोखे पुलक से भर जाते हैं। अनेक एहसास, अगणित अनुभूतियां और असंख्य भावनाएं अंतकरण के आंगन में बरबस बरस पड़ती हैं। यादों के सघन घन बार बार अंतर गगन में उमड़ते हैं और माँ के प्यार का जीवन जल मुरझाए प्यासे प्राणों पर उड़ेल देते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी माँ सुदूर किसी लोक में नहीं, अपने पास है, एकदम पास। उसके आंचल का छोर हमें छू रहा है, उसके आशीषों की छाओं में अपना जीवन सुरक्षित है। माँ, तुम्हारे सिवा हम बच्चों का और है भी कौन? जब तब समय को समय हम सब सिर्फ तुम्हें ही पुकारते हैं। जीवन की हर चोट, हर दुख दर्द में हे माँ, हमें केवल तुम्हारी याद आती है। आंसू भरी आंखों और पीड़ा से विकल हमारे जीवन के लिए तुम्हारी याद ही एकमात्र औषधि है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी कमियों, कमजोरियों, बेवकूफियों, नादानियों को एक तुम्हें अनदेखा करके हमें अपना सकती हो। माँ, तुम्हारी क्षमा अपार है, इसकी न तो कोई सीमा है और न ही शर्त बंधी। क्षमा ही तुम्हारा स्वभाव है। क्षमा तुमसे ऐसे बहती है जैसे फूल से गंध और दिए से रोशनी बहती है, जैसे पहाड़ों से जल झरता है, मेघों से वर्षा होती है। हे क्षमा स्वरूपनी माँ, सृष्टि के हर स्थूल सूक्ष्म विधान में प्रत्येक छोटी बड़ी गलती या अपराध के लिए कोई न कोई सजा निश्चित है। सृजरा के कठोर कर्मफल विधान से सभी बंधे हैं, यहाँ तक कि स्वयं सृजेता भी कर्म फल की हस्तरेखाओं को स्वीकार करता है। परंतु हे क्षमामयी, तुम्हारी क्षमा शक्ति से जीवन के महापातक भी पल में विनष्ट होते हैं। ये सृष्टि के समस्त विधानों से अनंत गुणा समर्थ है। माँ, ये एकाक्षर महामंत्र ही हमारा प्राण है। माँ माँ जपते हुए हमारे ऊपर तुम्हारी कृपा किरणों की वृष्टि हुई है। जीवन में अलौकिक अनुभूतियों के अनेक सुअवसर आए हैं। तुम्हारी लीला कथा का पुण्य स्मरण भी इन्हीं में से एक है। हे माँ, अब ऐसी कृपा करो कि ये पुण्य कथा तुम्हारे ही अमित प्रभाव से हम सब बच्चों को तुम्हारी अविरल भक्ति का वरदान देते हुए मातृतत्व का बोध करा सके। हमारे YouTube चैनल शांति कुंजक वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।